हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। आप देख ही सकते हैं ये क्या कर रही है मेरे साथ, उठा रही है मुझे कब से। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे खाना नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको खाना दिया है और इसके खा के भी आ गई है। लेकिन जब से ये आई है ना, ये सुबह मुझे सोने नहीं देती। अगर ये उठ गई है तो मुझे भी उठना पड़ता है। देखो बहुत परेशान करती है ये, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है इतने टाइम से। वो भी आके बैठ गया चुपचाप। देखो वो कुछ नहीं करता, रस्ती भी कुछ नहीं करते, क्योंकि मैं खाना इनके लिए रख देती हूँ। खा चुके हैं ये, अब क्या करें, अब उठना पड़ेगा। शक्ल देख लो इनकी, छोड़ नहीं रही है। देख रहे हो बहुत पीछे पड़ जाती है ये देखो। और ये सीधा ना मुंह चाटती है मेरा। और आके ये लेट गई है। अब मैं उठ गई ना तो शांति पड़ गई इसको। अब रस्ती आ रही है, बीच रास्ते में लेट जाते हैं। अगर मैं आगे पीछे जाऊंगी तो मुझे देखते हैं ना, बीच में से देख पाते हैं दोनों के दोनों। अब ये देख लो दोबारा सो गए हैं मुझे उठाने के बाद। अब मैं अपना काम वाम करूंगी, फिर जग जाएंगे। रस्टू रस्टू रस्टी आजा, आ मेरे बेटा रस्टू बाबू। रस्टू रस्टू छो रहा है तू, छो जा अच्छू। खाने के लिए आ गया कन्या, खाना खाना होता तुझे। क्या हुआ ना कि इनका खाना ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, थोड़ा सीलन सी भी आ गई थी उसमें, और ये खा भी नहीं रहे थे। तो अब मैंने इसको सोचा क्या ही करना है, इसको कैसे किसी को खिला भी नहीं सकती, तो मैंने ना फेंक ही दिया ये। तो इसने बताओ पूरी पॉली फाड़ दी है। ये बिल्कुल बदतमीज़ है, कुछ ना कुछ करता रहता है ये। जब इसको दो तब ये खाता ही नहीं है, ठीक है। और इधर उधर पड़ा होगा ना तो कहीं भी मुँह मार लेता है। बताओ, जाना है अंदर, अंदर ही आना मेरे काम। ये ऐसे ही चिल्लाता है ना जब इसको वॉशरूम के अंदर जाना होता है, फिर मैं समझ जाती हूँ इसको कि अंदर क्या करने जाएगी। ये पानी के साथ ना खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या ये पीता भी है बकेट से। इसको पसंद है, इसे बड़े बर्तनों में पसंद है। और अब रस्टी भी करने लग गया है सेम यही चीज़ें ना, और भी झाँक के देखती है बकेट में। तो ये ना एक दूसरे से ही सीखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है देख के। जो काम एक करता है दूसरा भी वही काम करता है। ये देखना, अब देख रहा है ये, कुछ पी लिया इसने पानी। और अगर भर के नहीं रखूंगी ना इसमें, एक बकेट में तो रखती हूँ मैं, अगर नहीं रखूंगी जैसे तो ये चिल्लाते रहते हैं फिर बैठ के। अब ये क्या देख रहा है पता है आपको? ऊपर ना मैंने कपड़े धो के रखे तो ऊपर ये देख रहा है। और रस्टी रस्टी सोच रही है क्या कर रहा है। रस्टी की ना एकदम रहती है अंदर से क्यूरोसिटी कि पता नहीं बॉब क्या कर रहा है। एक दूसरे को देख के जलते हैं ये दोनों। अगर जैसे मैं बॉब को बुलाऊंगी ना, रस्टी भागा भागा आता है, और मैंने रस्टी बोल दिया तो बॉब भागा भागा आता है। कि कुछ ज़्यादा ना मिल जाए बॉब को या रस्टी को ना, एक दूसरे को देख के इनसिक्योरिटी रहती है इन दोनों को। देखो पता नहीं क्या देख रहा है ये, अब मुझे कैसे देख रहा है ये। नजरें मेरे पे भी रहती है पूरी इसकी। ऊपर ना मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं धो के, मैंने ना ऐसी टांग दी थी थोड़े से, तो मैं अभी लेके जाऊंगी टेरेस पे। अब मैं जाती हूँ ना ऊपर रखने भी, तो मैं पहले बंद करके जाऊंगी इन्हें रूम पे, फिर जाती हूँ। वरना चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं विंडो से। देख रहा है देखो कंटिन्यूस, उसको खुजली है देखो। कुछ भी रखा रहेगा ना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सामान कहीं पे कुछ भी नोट कर लेंगे, तो देख रहो ऐसे खुजली रहती है इनको कि हिलेंगे नहीं वहां से। तो सारी बिल्लियां ना डिफरेंट होती है, मेरी बिल्लियां कुछ ज्यादा ही अजीब है। वॉशरूम में देखो, वॉशरूम ऐसे पसंद होता है ना कैट्स को, पर इनकी हरकतें थोड़ी अजीब है। अब ये देखो ऊपर देख रहा है मुझे, मुझे पता है इसको अब कान सक करने मेरे। रस्ती देख रहा है उसे, चला गया, आ गया ये भाई साहब।
और इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है ना कि जैसे पता नहीं कितना डरा हुआ है, सहमा सा है, मैं कितना मारती हूँगी इसको। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्यार से रखा है मैंने इसको। पता नहीं इसकी शक्ल ही शायद ये ऐसे बनाता है ताकि लोग इसको देख के थोड़ी सिंपैथी दें, बेचारा बॉब कितना बेचारा सा है, इसको मैं प्यार भी नहीं करती हूँ, ऐसा लगता होगा ना आपको देख के वीडियोस में। पर ऐसा कुछ ही नहीं है, ये देखो कान चक कर रहा है मेरे, और अभी 2 साल को हो गया लेकिन अभी भी कर रहा है ये। देखो जब ना कैट लेके आते हैं हम किटन, तो उनको ना आदत होती है, वो जैसे अपनी मम्मी से करते हैं ना, जब बेचारे फीड करवाती हैं उनकी मम्मी, तो उनको आदत सी हो जाती है, तो अब उनकी वो आदत तो छूटती है नहीं। अब ये शायद छोटा था उस टाइम पे, तो इसलिए शायद इसको आदत पड़ गई है। अब मुझे इतना एग्जैक्ट तो याद नहीं है, रहा होगा ये 1 month ही या 1.5 month, छोटा ही था और इसको तब से आदत है। अब तो ये कम करता है, पहले बहुत ज़्यादा करता था, हर दिन करता था, अब तो बहुत कम करता है। देखो कैसे चिपका हुआ है ये, और जब ये चढ़ता है ना मेरे ऊपर, ये एकदम गला दबा देता है मेरा, इतना भारी होता है, सांस बंद हो जाती है मेरी। ये देख रहे हो आपको कितने तेज तेज जब आ रहा है एकदम गला मेरा। बस थोड़ा देर करेगा ये सख, बस हो गया इसका। अब देख रहा है रस्टी को, नजरें इसकी रस्टी के ऊपर है, और रस्टी भाई साहब कुछ और ही कर रहे हैं मुझे लग रहा है। वो देखो पीछे वो गया अंदर वॉशरूम में, दिखाती हूँ आपको, देखो जा रहा है ना अंदर, क्यों बॉब रहता है ना उधर ही वॉशरूम में, तो देखो वहीं पे वो देखो टॉयलेट कर रहा है वो, ठीक है। अब ये जबकि लिटर बॉक्स यूज़ करता है ना, जो बॉब है वो वॉशरूम में करता है टॉयलेट भी, लेकिन देखो अब क्योंकि बॉब है ना वहाँ जा रहा, तो वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है वहाँ पे। अब इसकी आदत क्या हो गई रस्टी की, हर जगह अपनी टेरिटरी मार्क करता है, छोटी से छोटी चीज़ों में। अब मुझे लग रहा है इसको न्यूटर करवाना ही पड़ेगा, और मैं करवाऊँगी, अब ज़्यादा सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तो करवाऊँगी मैं से पक्का। एक दिन तो भाई मुझसे स्मेल आ रही थी, मुझे भी मार्क कर दिया भाई इसने, तो भाई ये खतरनाक हो चुका है, हर चीज़ को मार्क कर रहा है ये, हर चीज़ सीखी है, हर एक कोने से लेके जहाँ वो जाता है। ये देखो एक साथ आए दोनों के दोनों, दोनों एक साथ ही रहते हैं। बॉब तो इसलिए भी चिढ़ता होगा, और उसी के साथ रहती है ज़्यादातर। हम बॉब देखो मुंडी घूम गई बॉब की, उधर ही देख रहा है ना उसको, अंदर से जल रही होगी बॉब की। और हाथ देखो कैसे किसने पूरा दबा रखा है, देखो मेरा गला एकदम टाइटली होल्ड करता है ये। अब आगे का ना ये फ्रंट कैमरा इतना अच्छा है नहीं, तो विजिबल हो नहीं रहा इतना, फिर भी ये देखो आप, उसने रस्टी को देखा ना एकदम जलन के मारे, ये दोबारा शक करने लग गया। तो थोड़ी थोड़ी ना मैं चीज़ें समझ जाती हूँ इनको, इनको क्या फील हो रहा है, कब ये क्या चाह रहे हैं, पता चल जाता है मुझे इनके हाव भाव से। और ये देखो रस्टी भाई साहब क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इनका अपना टाइम है खाने का, इनका जब मन होता है ये तब खाते हैं, गिलहरी की तरह बैठ के खा रहा है। देखो खाना रखा हुआ है ना मैंने अभी भी, खाना तो ऐसा नहीं है मैं रख लेती हूँ इनके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर ये मुझे ना फिर भी नहीं सोने देती। और ये बैठ गए भाई साहब ऊपर बेड पे आराम से, किसी दे दो, किसी दे दो बेटा, किसी दे दो मुझे, मम्मा को किसी दे दो, किसी 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 दे दो। मैं वैसे फेस पे ना कुछ यूज़ नहीं करती, तो आज मैंने ना फेस वॉश यूज़ किया है, ह्यूमिडिटी हो रही है ना यहाँ पे, तो ये सूंघ कैसे रही है देखो, इसको पता चल गया। अब वो इधर उधर देख रही है रस्टी को, ये देखो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया इसको, और अब मैंने इसे पकड़ लिया है ऐसे, मेरा तो मन करता है इन्हें पिचका दूं। आपका भी मन होता है क्या, जिनके पास कैट है ना वही ये फीलिंग समझ सकता है, कि मन करता है इनको बिल्कुल पिचका दें, बहुत परेशान भी करती है लेकिन अच्छा भी लगता है, इनके बिना ना जिंदगी नहीं है। मुझे कमेंट करके बताना जिनके पास कैट्स हैं वो भी ऐसे ही फील करते हैं जैसे मैं फील करती हूँ, और इनके बिना बिल्कुल मन भी नहीं लगता, परेशान करते हैं तभी अच्छा लगता है।